इसमें 12 आफात निकट भविष्य में है, 9 और 10 को, उसकी तैयारियों को रिव्यू किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विषय में जो निर्णय आना है संभावित है निकट भविष्य में, उसमें जो ऊपर शासन से डीजीपी निदेशालय से निर्देश आए हुए हैं उसके कंप्लायंस की स्थिति हमने रिव्यू किया है और सब चीज़ें एज पर आवर प्लानिंग चल रही हैं और मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि हम लोग स्मूथली सब चीज़ों को अटेंड कर लेंगे। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की? जो हमारी रॉयल्टी की स्कीम्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम है, उसको हमने अपडेट किया है और उसके आधार पे सेक्टर्स और जोन्स हमारे बांटे जाते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स लगाते हैं, उसको अपडेट किया जा रहा है। और जो पूर्व में यहाँ घटनाएं हुई हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की 80 से लेकर के अब तक, उन केसेस को भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और उनके ऊपर हम लोग की पूरी पैनिंग नजर है। सर, कुछ जेलों में अस्थायी जेल बनाई गई क्या? मुरादाबाद में बनाई जाएगी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, अस्थायी जेल भी बनाई जाएगी और सोशल मीडिया पे विशेष तौर पर निगाह रखी जाएगी, इससे कोई अफवाह न फैला सके। क्या पब्लिक के बीच में भी आप जाएंगे किसी तरीके की कोई मीटिंग आज? हाँ, अब ये पब्लिक मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक फुट पेट्रोलिंग भी करेंगे और उसमें